मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने में एक अधिवक्ता के मामले में मुकदमे के बाद आरोपियों को छोड़ने और मुकदमे में धारा बदलने के आरोप लगाकर मुरादाबाद के अधिवक्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी करते हुए मुरादाबाद के SSP कार्यालय और SSP के चेंबर में घुस गए, जिसके बाद मुरादाबाद के पुलिस अधिकारियों के मामले में करीब घंटे भर के हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही के आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं का गुस्सा शांत हुआ। मुरादाबाद के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में शिकायत ले ली गई है, पुलिस कर्मियों पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच की जाएगी, यदि किसी पर दोष निकलता है तो उसके ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं अधिवक्ताओं की माने तो एक मामले में अधिवक्ता भुवनेश गुप्ता ने सिविल लाइन थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिनको पुलिस अधिकारियों ने मिलीभगत कर छोड़ दिया था। साथ ही साथ मुकदमे में धाराएं भी परिवर्तित कर दी गईं, जिसमें सिविल लाइन थाने के SHO और रामगंगा बिहार चौकी इंचार्ज की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस अधिकारियों ने यदि इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की तो अधिवक्ता फिर 29 तारीख से आंदोलन करेंगे और जब तक इन आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो जाती तब तक ही आंदोलन जारी रहेगा। दिनांक 23 तारीख को शाम 5:30 बजे हमारे अधिवक्ता साथी भुवनेश गुप्ता जी के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट करी घर में घुसकर। पुलिस ने हमसाज होकर उन बदमाशों को संरक्षण दिया और वकील साहब का सामान घर से बाहर फेंकवा दिया। जैसे ही अधिवक्ताओं को सूचना मिली वहां पे इकट्ठा हुए, वकील साहब का सामान घर में रखवाया, वकील साहब को घायल अवस्था में थाने ले जाकर उनके FIR 304 में दर्ज कराई। मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और मौके पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था चौकी इंचार्ज रामगंगा बिहार द्वारा। हमने रात के 10:30 बजे 307 में FIR दर्ज कराई। अगले दिन हम लोगों ने चालान का इंतजार करा, लेकिन हमें ये बात पता चली कल कि उनको थाने से ही छोड़ दिया गया है। आज वकीलों में बहुत गुस्सा है, अगर वकील के असमत पर या वकील के साथ उसके साथ ऐसा खिलवाड़ होगा तो ये मुरादाबाद जनपद नहीं पश्चिमी प्रदेश और पूरा प्रदेश बंद होगा। आज कहाँ आए आप? आज हम कप्तान से मिलने आए हैं। कप्तान ऊपर महेंद्र ऊपर कप्तान से मिलने आए, SPCD साहब मिले, उन्होंने जांच पे कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन ये आश्वासन हम ये छुट्टी आ रही है 26 की और 27 की, 28 को वही गर्मी जोशी से वही गुस्से से हम पुनः मुलाकात करेंगे और अपनी मांग को देखेंगे। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग ये है कि CO से SO और रामगंगा बिहार चौकी इंचार्ज सस्पेंड होनी चाहिए, इस मामले में उनकी जांच होनी चाहिए और जो मुलजिम नेम्ड हमने करे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो इससे ईंट बजा देंगे हम इन सब की। SSP ऑफिस का घेराव करा दूसरी है, ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक मुकदमे को लेके उन्होंने कुछ ग्रेवियांसिस थी तो उसमें उन्होंने कक्षा में प्रत्यावेदन दिया, उसको सुन लिया गया और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है उसका निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने कुछ पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया है तो इसकी भी जांच, बाकी इस समय सभी संतुष्ट हैं, सभी लोग वापस जाते हैं और शांति कर रहे हैं। मोबाइल थोड़ा सा जो भी तथ्य होंगे तथ्यों के आधार पर साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है।